क्या है उनका चुनाव चिन्ह, क्या है बस्ता, बस्ता लेके कौन जाता है? न प्राइमरी पास किए हैं, न मिडिल पास किए हैं, न प्लस टू किए हैं, अभी ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री शेष है, उसके बाद वो बराबरी में आएंगे। ये नर्सरी के स्टूडेंट है, बस्ता लेके अभी घूमे। प्रतिपक्ष का पहला काम है जन सरोकारों से जुड़कर, जन सवालों से जुड़कर संघर्ष। न प्रतिपक्ष के पास कोई संघर्ष है, नेता विपक्ष के पास, और न जन सरोकारों से जुड़कर कोई राजनीति पीके की है, सिर्फ आंकड़ों का गणित बिठा करके राजनीति नहीं हो सकती, सिर्फ पैसों का खेल राजनीति नहीं है। तब टाटा बिरला डालमिया होते, बीच में कोई लालू प्रसाद, मायावती, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव, ये नहीं आते ना? तो जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, ये नहीं पैदा होते अगर सिर्फ पैसों का खेल होता और आंकड़ों का ही खेल होता तो सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने हैं वो सभी MLA MP होते। तो ये जो राजनीति करने निकले हैं बिहार में, खास करके जो राजनीतिक तौर पर काफी कॉन्शस जगह है, सजग है, वहां पर आप जो खेल करने निकले तो आप क्या है उनका चुनाव चिन्ह, क्या है बस्ता, बस्ता लेके कौन जाता है? नर्सरी का विद्यार्थी। तो राजनीति में जो अभी बिहार की राजनीति में वो नर्सरी के विद्यार्थी है, अभी वो न प्राइमरी पास किए हैं, न मिडिल पास किए हैं, न प्लस टू किए हैं, अभी ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री शेष है, उसके बाद वो बराबरी में आएंगे। तो अभी तो वो नर्सरी में है और नर्सरी का जो रिजल्ट होना चाहिए मैंने पहले कह दिया था, गया में एयरपोर्ट पर उतरने के साथ हमने कहा था कि नर्सरी के स्टूडेंट है, बस्ता लेके अभी घूमे, अभी रिजल्ट जो आएगा हम लोग मिलेंगे 23 तारीख को। तो वही हुआ भी ना, एक आध जगह कैंडिडेट के कारण या वहाँ जमीनी हकीकत के कारण कुछ वोट मिल गए, बाकी सब जगह आप देख ही रहे। तो ये अभी जो बिहार की राजनीति है वो दो धड़ों में बटी हुई राजनीति है, NDA और महागठबंधन। तीसरा कौन अगर निकालने का होता तो उपेंद्र कुशवाहा जी निकाले होते, पप्पू यादव जी निकाले होते, ओवैसी साहब निकाले होते, चिराग पासवान निकाले होते, ये सभी थर्ड विकल्प देने के लिए निकले थे और सभी कहीं ना कहीं NDA और महागठबंधन के पार्ट बनकर रह गए। इसलिए अभी इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं है, इसी दो में गेम होगा ना, और उसका क्या होगा वो चार उपचुनाव में नहीं कहा, हमने कहा कि ये पहले ही बोल चुके थे कि ये ट्रेलर है पूरी फिल्म 25 में कौन खाली किया था, खाली रामगढ़ RJD का, तरारी महागठबंधन का, बेलागंज RJD का, सिर्फ एक सीट इमामगंज NDA का था, लेकिन ये चारों सीट पर साफ हो गए, क्लीन स्वीप हो गया NDA का। तो ये 25 का संकेत, 25 का आगाज। प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम कहा जा रहा है विपक्ष के द्वारा, नहीं हम तो ये कह रहे हैं कि भाजपा को नुकसान, भाजपा को भी तो नुकसान किया है, NDA का एक सीट था वो था इमामगंज, इमामगंज में वो सबसे ज्यादा वोट काटा, वो किसका था, वो जो पासवान लड़के खड़े थे वो NDA का वोट था,